Hi guys, welcome back to my channel. Hope you are doing good. And today I am going to review this product, and this is a Joy 24 karat gold glow kit. So ये आपको 85 रुपीज में मिल जाएगा. इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है. ये फेशियल किट है और आप घर में ही रह के आराम से इजी वे में फेशियल कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, इस किट में आपको 5 स्टेप्स मिलेंगे एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगी इसे कैसे अप्लाई करना है. एंड दिस इज प्रोडक्ट प्यूरिफाइज योर स्किन एंड इम्प्रूव टेक्सचर टू इम्पार्ट नेचुरल रेडियंस. एंड ये आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा. इट इज लाइक प्योर गोल्ड स्पार्कल 5 स्टेप्स फेशियल. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So the first step is gentle cleanser. ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से. इसमें step by step mention किया हुआ है. ये first step है, आप इसको ले लीजिए. मैंने इसको कट कर लिया एंड मैंने फ्रेंड्स अभी अपने हैंड पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है. और मैं आपको बताती हूँ इसका टेक्सचर भी. ये कुछ इस तरह से जेल फॉर्म में आता है. इसमें आपको देखिए गोल्ड गोल्ड स्पार्कल के थोड़े से दिख रहा होगा. फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है. इट फ्रेग्रेंस इज वेरी वेरी नाइस. इसको आपको अपने फेस पे 2-3 मिनट्स अप्लाई करना है. अच्छे से मसाज करनी है एंड फिर आपको अपने फेस को वॉश करना है. ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसको आपको वॉश करके बताती हूँ, फिर हम सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे. सो फ्रेंड्स, देखिए अब मैं हैंड वॉश करके आ गई हूँ और अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी स्किन पे कितना ग्लो आया है. अब मैं अपन सेकंड स्टेप्स अप्लाई करेंगे. ये देखिए इसमें लिखा हुआ है जो सेकेंड स्टेप है वो है प्यूरीफाइंग स्क्रब है. ये स्क्रब है जिसे हम स्क्रब करते हैं अपने फेस पे. ये मैंने ले लिया. मैं इसका टेक्सचर बताती हूँ आपको. ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपको अपने फेस पे इसको स्क्रब करना है ताकि इससे आपकी जो डेड स्किन रहती है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जो रहते हैं, व्हाइट हेड्स, वो रिमूव हो जाते हैं. इसको आपको 2-3 मिनट्स तक अपने फेस पे अच्छे से मसाज करना है और अच्छे से स्क्रबिंग करना. आप चाहे तो थोड़ा इसमें वाटर का यूज भी कर सकते ताकि ये इजी आपके फेस पे अप्लाई हो जाए. देन फ्रेंड्स, अब मैं अपना हैंड वॉश करके सेकंड थर्ड स्टेप अपन अप्लाई करेंगे. सो फ्रेंड्स, देखिए मैं हैंड वॉश कर लिया है. सेकंड स्टेप अप्लाई करके मैंने मसाज कर ली थी अपने हैंड पे और 5 मिनट तक, और सर्कुलर मोशन में आपको अपने फेस पे स्क्रब कर लेना. एंड थर्ड स्टेप जो है इसमें ये है ग्लो मसाज क्रीम है. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये अप्लाई करेंगे. You have to massage gently in your face for 6-7 minutes and then wash it. Okay, friends. So friends, move to fourth step, that is softening glow gel. So friends, ये कुछ इस तरह से है. अब मैं ये try करूंगी, apply करूंगी अपने hand पे.
एकदम सॉफ्ट जेल जैसा है और ऐसा लग रहा है मुझे काफी अच्छा ग्लो प्रोवाइड कर रहा है मेरी स्किन को। देन फ्रेंड्स यू हैव टू जेंटली इन योर फेस फॉर 5 मिनट्स एंड देन आपको फ्रेंड्स 5 मिनट तक अपने फेस पे इसी तरह से मसाज करना है सर्कुलर मोशन में एंड फिर उसके बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। अब मैं आपको अपना हैंड वॉश करके बताती हूँ, फिर हम 5 स्टेप अप्लाई करेंगे। एंड फ्रेंड्स मूव टू द लास्ट 5 स्टेप दैट इज ग्लो फेस पैक। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स अभी मैंने अपने हैंड पे आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करके बता दिया, आप पूरा अच्छे से आराम से वेट टाइम लेके आराम से घर पे बैठ के करना। ये थोड़ा सा सूख सा जाता है और कभी ऐसा आपका थोड़ा ड्राई सा हो फेस पे तो आप इसमें थोड़ा रोज वाटर अप्लाई कर लेना इसके साथ में और अपने फेस पे आपको इसको लगाना है फेस पैक की तरह। फ्रेंड्स मैंने इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई कर लिया है एंड आप इसको आराम से टाइम लेके कीजिएगा और इसको 5 मिनट तक ड्राई होने दीजिएगा अपने फेस पे। देन फिर आपको इसको वॉश कर लेना और उसके बाद में आपको अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा लेना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसको वॉश करके बताती हूँ। सो फ्रेंड देखिए मैंने अपना हैंड वॉश कर लिया और मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर लिया। अब मेरे फ्रेंड्स मेरे हैंड में आप डिफरेंस देख सकते हैं, काफी सॉफ्ट और क्लियर दिख रहा है एंड इसने काफी ग्लो भी प्रोवाइड किया है। आप अच्छा टाइम लेके आराम से 5 to 6 मिनट अपने 1-1 कंडीशन को अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप इसको धो लेना वॉश कर लेना अपने फेस को। और फ्रेंड्स मुझे ये अच्छा लगा और ये था मेरा आज का रिव्यू। और इसकी प्राइस भी अफोर्डेबल प्राइस है, 85 रुपीज में फुल आप आराम से इजी वे में घर पे फेशियल कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का रिव्यू, आई होप कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।